यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जम्मू से, और जम्मू वालों का दुखड़ा आपको सुनाता हूँ। अभी वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, वीडियो अपलोड बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, तो गुड आफ्टरनून। अभी अगर आपको मैंने घर से जब स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने घर से ही बना ली थी कि यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जम्मू से, और जम्मू वालों का दुखड़ा आपको सुनाता हूँ। अभी वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं हो रही है। स्पीड दे रहा है 60 KB पर सेकेंड। इतनी स्पीड में तो पबजी नहीं चलती है, तो मेरी वीडियो कैसे अपलोड होगी। तो अभी सोचा था कि हर संडे को वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो बना दी हुई है, सुबह से लगा हूँ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अपलोड नहीं हो रही है। तो फाइनली अभी देखो, अपलोड करने के लिए हमारे गांधीनगर से आगे छन्नी वाली साइड है, तो मेरे घर से मे बी 15-16 किलोमीटर दूर होगा। तो अभी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर जियो फाई लगी हुई है, उसकी स्पीड है अच्छी, क्योंकि पिछली बार अपलोड की थी हो गई थी, इस बार पता नहीं होगी या नहीं, पर आई होप कि हो जाए। तो देख लो, जम्मू में व्लॉग अपलोड करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स हैं पर मज़ा भी आता है। चलो इसी बहाने राइड पे निकला, क्योंकि मेरे को काफ़ी देर पहले से, ये मुझे लग रहा है 2018 में एक डलोजी की राइड मारी थी, उस टाइम मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाता था, अपने मोटो व्लॉग नहीं करता था। तो वो राइड पहली बार थी मेरे लिए जिसमें मैंने कॉन्टीन्यूसली बाइक चलाई थी। तो मेरा जो लेफ़्ट शोल्डर ब्लेड है पीछे का, उसमें एक पिंचिंग सी ना पेन स्टार्ट हो गई है। तो मुझे आदत है, थोड़ी बहुत पेन होती है तो मैं कुछ नहीं होता, ये ठीक हो जाएगी बाद में। तो मैंने इसको इग्नोर किया, मैं चलाता गया बाइक। तो आफ्टरवर्ड्स जब हम शाम को 1 बजे पहुँचे, तो रात को थोड़ी सी दर्द हुई, मैं कुछ नहीं होता, थोड़ा सा थकान होगा क्योंकि पहली बार चला रहा था, ठीक हो जाएगी बाद में, पर ऐसा नहीं हुआ। वो आस्ता आस्ता पेन ज़्यादा सीवियर होते होते पिंचिंग, फिर मैं जब बैठता हूँ लैपटॉप पे एडिटिंग करता हूँ, मुझे हर जगह प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। अभी वो इतनी बढ़ चुकी है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ गया था, तो मैंने सोचा था कि बाइक पे जाऊं, पर मैं नहीं गया बाइक पे। इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर ये बुलेट 350, इसमें वाइब्रेशन, या मैं कह सकते हैं कि ये स्टॉक बाइक है, तो स्टॉक बाइक को आप टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, अगर आपको इशू नहीं देती, क्योंकि मैं पहले भी चलाता था, मुझे कोई इशू नहीं दिया, पर अब देना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 किलोमीटर ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली चलाया पूरा पूरा दिन। क्योंकि हमारे यहाँ पे टर्न स्ट्रेट हाईवे नहीं होता, ज़्यादातर कर्व्स होते हैं, जैसे अभी स्टार्ट हो जाएंगे आप देखोगे तो कर्व्स में 200 किलोमीटर बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक चलाता हूँ, तो उसके बाद काफ़ी दर्द होती है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपकी बाइक है ऐसे स्टैंडर्ड 350 या ऐसे कोई भी जो स्टॉक बाइक है, उसको आप मॉडिफाई ज़रूर करवाओ। हैंडल बार को इतना महंगा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 या 1000, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा होगा तो 1200 तक, क्योंकि मैं एक बार मंगा चुका हूँ, मैंने एक बार फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो वो हैंडल मैंने लगा के चेक किया, तो उसके जो नट्स थे, जो स्क्रू जिस पे ये, अगर आपको दिख रहा हो मेरा हाथ, जिस पे ये टाइट होता है, तो वो थोड़ा बाहर की तरफ था, तो इस वजह से मैंने उसको वापस करा दिया। उसके बाद मुझे लगा नहीं कि मैं स्टॉक पे ही राइड कर सकता हूँ, पर सच यही है कि स्टॉक पे राइड नहीं होती है। और मेरा पोस्चर है, क्योंकि मेरी हाइट 5'6" के अराउंड ही है, तो मुझे जिस हिसाब से ये स्टॉक बाइक बनी हुई है, तो मुझे बिल्कुल टैंकी, जो इसका टैंक है, मुझे इसके टैंक के बिल्कुल साथ में बैठना पड़ता है, तब जाके मेरा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है स्पाइन का,
पर ये बिल्कुल अच्छा पोस्चर नहीं है बाइक चलाने के लिए। हैंडल थोड़ा सा पीछे होना चाहिए जिस वजह से मैं कंफर्टेबली होकर चला सकूं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप भी राइड करना चाहते हैं, नहीं नहीं कर रहे हैं, तो मेरी तरह गलती ना करें। स्टॉक बाइक पे आप भी चले जाओगे, आप बोलोगे कुछ नहीं होता, पर होता है। मुझे तो प्रॉब्लम हुई है, क्या पता मैं भी किसी, क्योंकि मैंने खुद चेक किया है। जैसे कि मैंने पिछली बार ऑयल चेंज किया था, तो अभी तक मैंने जितनी भी सर्विस की है, जितनी बार भी ऑयल चेंज हुआ है, मेरी बाइक 220,000 चल चुकी है। इसका मतलब ज़्यादा नहीं तो 3 4 बार, तो 5 बार तो सर्विस हो चुकी है। तो मैंने जितनी बार भी सर्विस की है, हर बार मेरा जब भी नया ऑयल डालो ब्लैक कलर का हो जाता था। कलर जो मर्जी हो ऑयल का, वो ब्लैक हो जाता था। तो मैं सोचता था क्यों अभी नया ऑयल डाला है, थोड़ी देर तो कलर देना चाहिए। तो जब पिछली बार मैंने खुद सर्विस करी, जब मैंने खुद सर्विस की, तो मैंने 10 मिनट्स के लिए ऑयल, इसके 3 नट्स होते हैं और 3 नट्स खोलना ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में भी जाओगे, रॉयल इनफील्ड मतलब सर्विस सेंटर इनका बहुत अच्छा हो, वो भी सिर्फ 2 नट खोलते हैं, 3 नट खोलना ज़रूरी है। 3 नट जब मैंने खोले, उसके बाद मैंने 10 मिनट्स उसको बाइक को रखा कि ऑयल निकलता रहे खुद ही। तो जब ये सब प्रोसीजर करने के बाद मैंने वापस इंजन ऑयल डाला नया, तो मुझे कम से कम फर्स्ट 2000 किलोमीटर तक मेरा जो इंजन ऑयल था उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि इंजन ऑयल जो इस काला होता है, इसके अंदर जो कार्बन होता है, वो हम निकालते नहीं पूरी तरह, जल्दबाजी में वापस डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप खुद कर सकते हो तो ज़रूर खुद करो, इससे अच्छा क्यों नहीं है। अगर आप बिज़ी हो, आपके पास टाइम नहीं होता, तो अलग बात है। तो अभी है ये रेड लाइट, अभी हम लोग चढ़ेंगे सिदरा हाईवे। तो आप कभी जम्मू आओ तो जम्मू के बारे में, अगर आपने कोई अच्छी अच्छी जगहें पूछनी हो मुझे कि जम्मू में कौन कौन सी प्लेसेस हैं वहाँ पे हम जा सकें, आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आप कभी भी जम्मू आओ, अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो। अभी मिलते हैं आपको, थोड़ा सा अभी ट्रैफिक लाइट रेड है, तो अच्छा रेड है तो आप ग्रीन हो गए, 20 सेकेंड्स बचे हैं, हम चलते हैं। आप ये सोचो, जम्मू में मैंने घर में वाईफाई, अब चलो पहले तो नेट का कनेक्शन नहीं था, वो तो थी ही प्रॉब्लम, अब मैंने वाईफाई BSNL का लगवाया भी है, तब भी मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे हो कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है मुझे। ओहो, अभी रास्ते पे फ्रेश फ्रेश, ओहो तो मूड़ी काट के गई है, आह दर्द होने लग गया, आह गर्दन पे काट की गई, रास्ते पे पूरी की पूरी चिपकी गई मेरे साथ ही, हाय 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 दर्द हो रहा है।